अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद आसफ़। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहम्मद आसफ़ विलाग्स। तो आज मैं अभी अभी ऑफिस पहुँचा हूँ, तो कुछ दोस्त हैं मेरे, हकीम तारिक मसूद साहब, वो सब कुछ सामान लेके आए हैं। वो सामान जो है वो उनसे पूछते हैं वो किस चीज़ के लिए लेके आए हैं और क्यों लेके आए हैं। तो मैं अभी उनसे पूछता हूँ। जी गाइस देखें, माशाल्लाह ये जो स्टूडियो है हमारा ये तैयार हो चुका है, यानी ये घर में स्टूडियो जो है ये बनाने के लिए ये काफ़ी है। देखें माशाल्लाह हकीम साहब अपनी सेटिंग पूरी कर रहे हैं, क्योंकि हकीम साहब ने अपना न्यू चैनल बनाया है हिकमत के बारे में और उसी को वो रन करना चाह रहे हैं। ये देखें साथ में ये जो शीट है, ये शीट और ये रिंग लाइट और ये ट्राईपोड और ये जो चीज़ है, ये सारा सामान जो है ये हकीम साहब कल ले के आए हाल रोड से ना। बोलने की बीमारी जो है उसका मुकम्मल खात्मा होगा। जिन बच्चों का नजला जुकाम नहीं खत्म होता वो नजला जुकाम खत्म हो जाएगा। और जो केले का जी हैं साग लाएं बनवा लें साग, ये देखेंगे भाई साहब डॉक्टर साहब तैयारी हो कर के ये भी जा रहे हैं घर। इन्होंने जाना था क्योंकि शादी थी उधर एक, तो वो शादी में गाँव जा रहे हैं, मैं इधर लाहौर ही हूँ, भाई जा रहे हैं घर। तो मेरा भी दिल धक धक कर रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है जाने को, क्योंकि अब्बू और दूसरे सब जो हैं घर वाले वो भी कह रहे थे कि आप आ जाएं, अब्बू भी मुझे कह रहे थे कि आ जाएं, लेकिन मेरा आज मुझे मेरा वहाँ जाना अभी मुश्किल है। तो मैंने कहा चलो भाई हो आए, फिर भाई इधर रहेगा तो मैं चला जाऊँगा। मतलब मुबारक का दिन है, इंशाल्लाह जुमा नमाज अदा करेंगे, आप भी जुमा नमाज लाजमी अदा किया करें। और तफीक दे गरीबों के लिए यह हज होता है। हकीम साहब बाज़ार गए थे, वो एक लड़का था उसके लिए उन्होंने बोल रहा था कि मेरे पास रज़ाई नहीं है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो कह रहे थे कि मेरे पास जो है ना रज़ाई नहीं है, मुझे रज़ाई ला के दो। तो वो फिर मैंने हकीम भाई को भेजा था, मैंने कहा चलो इनके लिए जो है ना रज़ाई ले के आएँ। तो वो ये देखें कि रज़ाई ले के आएँ, ये देखें यार जो रज़ाई है ये 1200 रुपये की मिली है, बहुत अच्छी रज़ाई है, सर्दियाँ उसकी गुजर जाएंगी अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। जो है बाकी जुमा नमाज अदा करते हैं, जुमा नमाज अदा करने के बाद जी गाइस अभी जो देखें वज़ू कर लिया है, माशाल्लाह तैयारी कर ली है, मैं और तलहा जो है हम दोनों जुमा नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। ये साथ थोड़ा सा ही आगे मस्जिद है सोसाइटी में, इधर ही जाएंगे और इधर ही हम जो है नमाज जुमा अदा करेंगे। जी हम देखें मस्जिद के करीब पहुँचने वाले हैं, ये माशाल्लाह सोसाइटी में जो बहुत अच्छी और बहुत प्यारी मस्जिद है और ये सोसाइटी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अल्लाह पाक खुश रखे हम सबको, अल्लाह पाक जो है नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल जी, खैरियत? तो ये जो है बस मस्जिद के पास हम पहुंचने वाले हैं। जी हम जो हैं मस्जिद में पहुंच के चुके हैं, मस्जिद के अंदर जगह नहीं होगी इसीलिए उन्होंने बाहर जो है ये देखें बिछाई हुई हैं सफ़ें, और इंशाल्लाह बाहर इमाम नमाज अदा करते हैं। नमाज जुमा हमने अदा कर लिया माशाल्लाह, अल्लाह के शुक्र फजल से अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई और हमने जो है नमाज जुमा अदा की। तो दुआ है मेरी अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमेशा भी आने वाले ज़िंदगी के जितने भी दिन हैं उनमें जो भी जुमे आते हैं या नमाज़ें हैं हमें वो पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमेशा जो है अपने आगे सजदा रेज़ होने की तौफीक अता फरमाए।
तो नमाज जुम्मा जो है इंशाल्लाह पढ़ के अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ऑफिस से फिर जाना है घर, खाना तैयार है घर, तो उधर जाके खाना खाता हूँ इंशाल्लाह। जी खाना वगैरह खा लिया है और मैं फ्री हो गया हूँ, तो इसका व्लॉग जो है वो यहीं पेंड करेंगे। बकाया जो रूटीन है डेली की वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आप लोगों के थोड़े से प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, तो काइंडली मेरा ये जो वीडियो है ये अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें, और मेरा चैनल जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। बस आप थोड़ा सा प्यार देते रहें, आप सब बहन भाइयों की वजह से ही इंशाल्लाह मेरा चैनल ग्रो करेगा, और आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से ही इंशाल्लाह मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज होगा। तो शुक्रिया, आज के व्लॉग के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।